पंजाब से शीला हमारे साथ। स्वागत है शीला आपका, हाँ जी बताइए प्रश्न करिए। हाँ जी, मेरे ना घर वाले के पैरों में दर्द रहता है, मेरे भी दर्द रहता है पैरों में, और खाना खाने के बाद से मेरा शरीर सुस्त हो जाता है बिल्कुल, मेरे पैरों में ताकत नहीं है बिल्कुल भी, क्या करें। दोनों की उम्र बता दें। उम्र 70-70 साल है जी दोनों की अच्छा, जी। हम उम्र हाँ, हैं। उनको शुगर है और मेरे को जान नहीं है पैरों में बिल्कुल, चलने की आदत बिल्कुल नहीं, चला ही जाता। ठीक है, देखिए अभी आप सुन रही थी, एक एक घर से फोन आया था, उनको पति को बहुत फायदा हुआ, तो मैं आप दोनों के लिए एक नुस्खा बताता हूँ और वो दोनों लोग लें, और 1400 ग्राम गौंद स्याह खरीद ले, काला गौंद, गौंद स्याह 1400-1200 ग्राम बस खरीद ले, और इसको आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाने के बाद खाया करें। दोनों के पैरों के दर्द और सुस्ती का जाना मुमकिन है। अपने पति को एक तोहफा दीजिए और वो है जैतून का सिरका, रात को 3 चम्मच उन्हें पानी में मिलाकर ज़रूर पिलाया करें। आपके पति आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं, सलामत रहेंगे, और डायबिटीज़ की गोलियां उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। 3 चम्मच पानी में मिलाकर रोज़ पिलाएं और खुश रहें। रामू इंदौर से हमारे साथ, स्वागत है रामू जी। हेलो, रामू जी आवाज मिल पा रही है? हेलो, चलिए लगता है आपसे भी संपर्क हमारा टूट गया। एक बार फिर से आप संपर्क साधने का प्रयास तो जरूर कीजिएगा, लेकिन अगर आपकी बात यहाँ नहीं हो पाती है हकीम साहब से लाइव, तो आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एक पूरी टीम है जो हेल्पलाइन नंबर पे जुड़े होते हैं। आप उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक अच्छा ट्रीटमेंट आप लोग जान सकते हैं, नुस्खे भी आप लोगों को बहुत अच्छे वहाँ पर बताए जाते हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृष्णा क्या नाम है? बताइए कृष्णा जी, सवाल आपका। बच्चे के मैसेज क्या दिक्कत है आपके दोबारा बोलिए। नसें खींचती है बच्चे की या आपकी? बच्चे के जांग में 40 साल का है। आप ठीक से बात बताइए, आपकी अधूरी सी आवाज आ रही है। जी 40 साल का इनका बेटा है, पैरों की जो जांगे हैं उनकी नसें खिंचती हैं। ठीक है, ठीक है, आपने पहले भी फोन किया था ना, और देखिए उनको रोजाना आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम गौंद स्याह खिलाइए, बस इतना ही खिलाइए। और मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना ज़रूरी है। जिन लोगों को भी नसें खिंचती हैं, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो उनके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट होना ज़रूरी है, तब इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो बार बार फायदा होगा, बार बार वही रोग हो जाएगा। तो क्योंकि ये कमर में नसें दबी रहती हैं और हमें जो ज़मीन में बैठकर जो हम टॉयलेट करते हैं, टट्टी करते हैं, उसके ऐसे बैठने से वो नसें फिर दब जाती हैं, जो हम खोलते हैं वो फिर आप उसे दबा देते हैं। तो वेस्टर्न टॉयलेट वाले ही ये नुस्खे इस्तेमाल करें, दर्द वाले, ताकि उनको पूरा फायदा हो सके। मेरा कौशल दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है कौशल आपका। शुरुआत हाँ जी बताइए, करनी बोलिए बोलिए। किस चीज के लिए? हाँ हकीम साहब, मेरे सीने में दर्द रहती है, मैं सीने में रोटी आती है खाना खाते, पेट में खाना खाते ऊपर आता है, कुछ खाया जाता नहीं है। कुछ खाया नहीं जाता है? पेट में, अच्छा पेट में परेशानी है, कुछ खाया नहीं जाता है। उम्र बता दें तो बहुत अच्छा है, वैसे तो हमें अंदाज़ा हो रहा है आपकी उम्र का। 71 साल है। जी, मैं यही सोच रहा था, 71 या 72 आपकी एज है। अच्छा देखिए, आपके लिए एक नुस्खा बता रहा हूँ, आसान है। 71 साल में दवाएं आप बहुत कूट पीट नहीं सकते, पता नहीं आपका कोई मददगार है कि नहीं है। जैतून का नमक आता है, वो एस्टेक जैतून को कहते हैं, जैतून का नमक, या
जैतून का रसायन समझ लीजिए, ये ले लीजिए और आधा ग्राम पानी में मिलाकर पहले पिया करें, फिर खाना खाया करें। ये अमल करना शुरू करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा उन सभी बातों का जो हकीम साहब ने अभी आपको यहाँ पे बताई हैं, तभी आपको लाभ मिल सकता है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी एमपी सिंह जी, बताइए सवाल करिए। हाँ हमारा 862 है। ठीक है। और हमको शुगर का प्रॉब्लम है बहुत दिनों से। दिनों से या सालों से? सालों से, सालों से। कितने साल से? ये तो 7-8 साल हो गए। ठीक ठीक। देखिए शुगर के, जी जी कुछ और कहना चाह रहे हैं तो जल्दी बताइए। हाँ तो ये तो अभी दवाई तो खा रहे हैं लेकिन थोड़ा कभी कभी बढ़ जाता है, तो हम सोच रहे हैं देसी दवा अगर खाने को मिल जाती तो अच्छा रहता। वाली दवा खाइए, ये बहुत अच्छी दवा है, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, होता क्या है कि हमारी शुगर हो गई और डॉक्टर ने एक दवा लिख दी और हम वो खाना शुरू कर देते हैं, फिर कभी और परेशानी हुई, फिर चेक कराई तो मालूम हुआ और बढ़ गई, तो डॉक्टर ने और हमारी दवा बढ़ा दी। ये तरीका नहीं है, एक ही दवा खाते रहें और वो शुगर ना बढ़े और आपको नुकसान ना हो। जब ज़्यादा दवाएं खाते हैं तो डॉक्टर भी डरने लगते हैं कि इनको जो नुकसान होंगे, तो फिर वो इंजेक्शन देने लगते हैं, क्योंकि पेट तो एक हद तक ही कोई दवा कबूल कर सकता है, वरना पेट खुद तकलीफ़ में आ जाता है, फिर इंजेक्शन देने लगते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और इन दवाओं के भी बड़े नुकसान होते हैं, हमारी जिस्म को तोड़ कर रख देते हैं, हमारी किडनी को फोड़ कर रख देते हैं, और हमारी आँखों को, हमारे दिल को, हमारे लीवर को बड़ा नुकसान पहुँचता है, हमारी आँतों को, हमारे मैदे को। तो एक ऐसी दवा शुगर वालों के लिए एक तोहफा है, वो है जैतून का सिरका। 3 चम्मच रात को सोते वक्त पानी में मिलाकर पिया करें और आप सारी ज़िंदगी सेहत के साथ गुजार सकते हैं। किसी को एक बार लेने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी को दिन में 2 बार भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये आपकी शुगर को बढ़ने नहीं देता और आपके जो पार्ट्स ऑफ बॉडी जिसे दवाएं नुकसान देती हैं उनसे बड़ी सुरक्षा करता है। जी बरेली से अगले कॉलर हैं प्रदीप हमारे साथ, स्वागत है प्रदीप जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आदाब अकीम जी को नमस्कार। जी आदाब प्रदीप जी। हाँ मैं सर ये बोल रहा था, मेरे मेरे को एक्जिमा हुआ था पहले। तो एक्जिमा हुआ, कुछ दवाइयाँ वगैरह होम्योपैथिक वगैरह ली तो ठीक हो गया, अब उसके बाद दोबारा फिर से कभी कभी होने लगा। ठीक। एक्जिमा के लिए गॉन मोरिंगा आता है, एक सफ़ेद किस्म का रॉ मटेरियल खरीद लें और 0.5 ग्राम रोज़ाना पानी मिलाकर खाया करें, पी लिया करें, इससे आपका एक्जिमा शांत होना मुमकिन है। तो देखिए बहुत आराम से और बहुत सरलता से आप ये नुस्खे बना सकते हैं, बस जल्द से जल्द बना लीजिए, इसका सेवन कीजिए, फिर जो परेशानी दोबारा से आपके साथ शुरू हो गई है वो परेशानी जड़ से ही खत्म हो जाएगी। लेकिन सब्र वालों के लिए ये ट्रीटमेंट है दर्शकों, आप लोग अगर हड़बड़ी मचाएंगे, जल्दबाजी करेंगे और परहेज़ नहीं करेंगे तो देखिए हम लोग इसके ज़िम्मेदार नहीं होते हैं, क्योंकि आप लोग ख्याल नहीं रखते हैं बातों का, आप लिखते नहीं हैं या फिर आप लोग बस सुनकर संतोष कर लेते हैं। ये सारी बातें अगर आप लोग करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप कॉपी पेन लेके बैठें और एक एक बात को नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए, कैसे आपको नुस्खे बनाने हैं, कैसे परहेज़ करने हैं, कितने ग्राम आप लोगों को सेवन करना है। तो लाइव कार्यक्रम है, आप लोग सीधा हकीम साहब से बात कर सकते हैं, कोई भी आप रोग संबंधी प्रश्न कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ। क्या नाम है? हाँ, मेरा वाइफ के बारे में पूछेंगे, चंदा देवी। जी घुटना में दर्द है। हाँ हाँ बोलिए। घुटना में थोड़ा दर्द है, घुटना में दर्द है। ठीक है। कितनी एज है देवी जी की? कितनी उम्र है बताइए आपने? 50 साल। 50 साल। ठीक है। तो देखिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा जो बहुत कामयाब है, और मैंने जिसको भी बताया उसने अगर अमल किया मेरी बात पर तो उसको फ़ायदा मुमकिन है। देखिए एक तो हर घर में ऐसा बूढ़ा आदमी होता है मेरी तरह, तो ये जोड़ों के दर्द का मरीज़ होता है अक्सर,
तो हमारे घरों में वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए, और गौन स्या, एक गौन का नाम है जिसे काला गौन भी कहते हैं, कड़वा जायके में होता है, मिलता मुश्किल से है और अक्सर नकली भी मिल जाता है, तो असली ख़रीद लें और आधा आधा ग्राम देवी जी को खिलाएं तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। खाने के बाद आधा आधा ग्राम, बस दो बार, आधा ग्राम से कम ही खिलाएं, ज़्यादा ना खिलाएं, क्योंकि काफ़ी तेज़ होता है ये, और बग़ैर चर्बी के दूध से भी खिला सकते हैं, पानी से भी खिला सकते हैं, और आप रईस हैं तो जूस से भी खिला सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, जब बात की जाती है अतिया हर्ब्स की, तो अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है जिसकी 500 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी देश भर में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो सीधा लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग लाइव उनसे बात करना चाहते हैं, बेहतरीन नुस्खे जानना चाहते हैं, तो फोन उठाइए, नंबर पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। Hello? जी विजय जी, सवाल करिए अपना। हाँ मैडम, मैं अपनी माँ के लिए बात कर रहा हूँ। बोलिए। कि मेरी माँ को जब धूप में निकलती है ना, तो उसका समूचा शरीर में खुजली हो जाता है, हाँ? और उनकी जी क्या होता है, बहुत खुजली होता है और सहन नहीं कर सकती है। खुजली के चलते चमड़ा उठ गया है और सादा हो गया है, जिसे सादा कोड नहीं होता है, उसी तरह से उसको तकलीफ हो रहा है। खुजली होता जी बहुत ज्यादा, धूप में जब जब निकलती हैं। ठीक है, देखिए जब वो खाना बना करे आपके घर में, तो उस खाने में नमक डालते हैं आप, जितना भी डाला करें, लेकिन आधा चम्मच खाने का सोडा भी मिलाया करें, इससे उनको बहुत फायदा मुमकिन है। या सब लोग उसे पसंद नहीं करें तो एक आधा चुटकी उनके जो उनके सामने बॉल आता है खाने का, उसमें मिला दें। एक तो ये तरीका है, और एक गौन मोरिंगा आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर उन्हें पिलाया करें, उनकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जी हिमाचल से हैं मोहन लाल जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी जी नमस्कार। मैं लग नहीं रहा, आज फोन लगा है। चलिए जल्दी से अपना सवाल करिए। ऐसे कि दो एक महीने से मेरे पैरों में वो निकलती है आग, गर्म गर्म हो जाती रात को पैर। तो मैं अपने हिसाब से यही चाहता हूँ कि मेरे कोई ऐसी देसी दवाई बताए जो मैं यहाँ बना के खा लूँ। ठीक है। और देखिए देसी दवाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप बना भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले हिदायत यह है कि आप ज़मीन में ना बैठा करें और वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग करें। ये कुर्सी वाला जो बाथरूम होता है, हम इसे कहते हैं मगरबी तहजीब का टॉयलेट, तो ये आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, तभी आप ठीक होंगे। एक कॉल आई थी, दरअसल उनको फ़ायदा नहीं था, तो जब से मैं बहुत ज़्यादा सबको प्रेस करने लगा कि वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर लगवाएं जिनके भी घुटनों में या कमर में तकलीफ है। अच्छा देखिए, एक नुस्खा है, अलसी 500 ग्राम खरीद कर हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें अलसी, और इसमें गौंद स्याह आता है, काला गौंद होता है, और जायके में बड़ा कड़वा होता है और फ़ायदे में बहुत अच्छा है। 100 ग्राम 200 ग्राम खरीद लें और इसमें 100 ग्राम मिला दें अलसी के पाउडर में। ये रॉ मटेरियल ही लेना, और नकली मत लेना, बहुत नकली मिलता है, कड़वा होता है जायके में। फिर इस अलसी को मिलाकर आप जब रखेंगे तो एक एक ग्राम सुबह दोपहर शाम खाने के पश्चात दिया करें, तो ये मटेरियल जो मैंने आपको बताया है, ये ख़त्म होने से पहले आपका दर्द ठीक होना मुमकिन है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम क्या है आपका? रामचंद्र, छत्तीसगढ़। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो। बोलिए बोलिए, सवाल करिए। वैद्य से बात करना था थोड़ा। जी जी मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा सा तेज आवाज में बोलेंगे तो मैं, मुझे आसानी हो जाएगी। जी बोल रहा था जी, अब हमारे उम्र 46 साल हो गए हैं, और लैट्रिन में दिक्कत होता है, हाथ पर हमेशा दर्द देता है कमजोर,
मुझे अंदर से अपने आप को बहुत कमजोर महसूस होता है। ठीक, तो देखिए लीजिए आप अपने घर से लिख लीजिए, आंवला, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और सौंफ 100 ग्राम, आंवला, मेथी, सौंफ 100 ग्राम और अलसी 500 ग्राम, इनको पाउडर बनाइए। और कलौंजी का नमक आता है, एस्टेक कहते हैं कलौंजी का, एस्टेक, इसे कलौंजी का रसायन भी कह सकते हैं। ये देखने में नमक जैसा होता है लेकिन स्वाद में नमक नहीं होता इसके, ये फीका फीका सा होता है। इसमें 100 ग्राम मिला दीजिए और पाउडर बनाइए, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम आप इसे यूज़ करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।